नीदरलैंड सूरीनाम सारी संसार अस्सलाम अलैकुम सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपके खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज बुंसदाख 15 दिसंबर है, बुधवार है, दिसंबर के 15 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम। कल यहाँ मंगलवार शाम के वक़्त जर्नलिस्ट जेसन पिनस नेशनल असेंबली खबाओ के अखबार है वो न्यूज़ पर सलाह बना रहा था, जब तीसरे प्रेसिडेंट रूनी ब्रुंसवेक दे इना खबाओ में से बाहर निकला तो पिनस उनसे कुछ सवाल करना चाहा, तो ब्रुंसवेक चिल्ला करके बोले नो को अक्सी में लौ लौसानी। लोकल मीडिया में खबर किए हैं कि ब्रुंसवेक के बफेलिंग्स में द वर्कर्स पिनस को गटई दबो करके योको किए थे और घूसा से मारे, लाते से मारे, उनका मोबाइल टेलीफोन भी छीन लिए। दे एना में जब मेयर यार उन्तविकलन प्लान के बारे में बात हो रहा था तो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के फ्रैक्सी लीडर रबीन परमेसर और बीएपी के फ्रैक्सी लीडर रोनी असाबीना ये मिसहैंडलिंग के बारे में भी और बातें जानना चाहता है कि क्या वजह था कि उनको मिसहैंडल की गई है। ऐसा ही रोनी ब्रुंसवेक पिछले बरस दिसंबर में भी यही जर्नलिस्ट जेसन पिनस जब सवाल किया कि हेलीकॉप्टर पर से क्यों वो पैसा बरसा रहा है तो भी वो गुस्सा में बोले ओफर हेल्थ ट्रोयन दरखलेक खा एक एक्ट खेन अंतोत खेफा Wanneer men speculeert en mensen zomaar dingen zeggen, hij moet niet vragen. Leslie Bay, ये एक पक्का चोर है। उसने कई दफा चोरी करने के बाद फिर भी पीरियड मई से लेकर पीरियड जुलाई तक 10 लोकेशंस में चोरी किया। Auto's, televisietoestellen, lampen, microwave, elektrische apparaten. कई तो अब यह मुकदमा अदालत में पेश किया गया है। बार मिनिस्टेरी बोले कि लेस्ली 2 दफा 8 बरस के जेल की सजा काट चुका है, वो नहीं सुधरा, फिर नहालफ 4.5 बरस के जेल की सजा मांग किया तो कंतोन रेख्तर डिंकन ननहू उनको फिर नहालफ 4.5 बरस के जेल की सजा सुनाकर और जेल में बंद करवा दिया है। फिर नहालफ यार सेल फॉर 3 दिफ्स्टालन। पालू के फोर सेटर जिम हॉक रखेरिंग से चाहता है कि कोरांतेन रिफीर के ऊपर जो ब्रिज बनाने वाले हैं उसे फौरन रोक दिया जाए। बोले कि गयाना के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिएगा, अभी तक सूरीनाम के तिगरी खबीत को कब्जे में कर रखे हुए हैं, क्रेंस क्वेस्टी के बारे में सदियों से बात बिगड़ल है, बात करना ही नहीं चाहते हैं। क्वारंटाइन ब्रिज के बारे में गयाना जो शर्ते पे कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया है उस पे तो गयाना के सरकार बिल्कुल अमल नहीं करेंगे, सूरीनाम के पछताना पड़ेगा। बोले कि फ्रांस गयाना से दोस्ती करने से मरवेने रिफिर के ऊपर ब्रिज बनाने से तो सूरीनाम के इसमें बहुत फायदा होगा। कारण यह है कि फ्रांस गयाना यूरोपा मुल्क में जुड़ा हुआ है। द पालू रूप बै मोंद फान फोर से तर्जेम होक द रखेरिंग ऑफ ऑन द बाउ फान द ब्रुख आन द क्वारंटाइन रिफिर ऑन मिदलक द स्टॉपन फोर डाटर ऑन ओम केर बार स्टॉपन वार्डन खजत।
गंगा राम पांडे वेख याने वाले जनता तो सरकार से सिफारिश कर रहे थे कि ये रास्ता बहुत मरम्मत करवाना है। जब सरकार ने ये रास्ता को नहीं मरम्मत कर रहा था तो जनता गुस्सा में ये रास्ता को घेर लिए, बैरिकेड कर लिए। आज के खबर बताए हैं कि जनता और सरकार के ऑथोरिटेटन आपस में बात किए हैं कि यही हफ्ता में ये रास्ता को मरम्मत करना शुरू कर देंगे। ब्लॉकाद लारे को वेख अपखेवन पर हमारी वो नोट के रहने वाली एक सेफन तीन यार 17 बरस के लड़की को एक सेफन तीन यार 27 बरस के सयानी मर्दाना अपना ऑटो में लिफ्ट दिया। कारण यह कि लड़की ने हांदल साथ जा रही थी। जब लड़की ने ऑटो में बैठ गई तो वो आदमी ऑटो चलाकर एक सुनसान जगह पे एक मकान है उसमें उनको ले जा करके और बुरी तरह से बलात्कार कर दिया है। लड़की जब वक्त पे घर नहीं पहुंचा तो लड़की के माँ ने पुलिस ब्यूरो में जा करके खबर किया कि उनका बिटिया अभी तक घर नहीं आई है। जब रात के वक्त ये मर्दाना ये लड़की को घरे पहुंचाने लगा तो सिपाही उनको गिरफ्तार कर लिया है। मान आउद फॉर क्रफ्टिंग COVID-19 वेबसाइट पे खबर है कि मंगलवार दिसंबर के 14 तारीख को एक कोरोना पेशेंट के मौत हुआ है। अब तो ताल 1169 कोरोना पेशेंटन के मौत हो चुका है। 393 जना के कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 45 नया लोग बसमत हुए हैं। 314 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 12 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में और 3 यानी 3 जना इसोलासी में हैं। कल यहाँ मंगलवार को प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जहाँ भी मौजूद थे फीस प्रेसिडेंट वेक ओपंबार वेलकन के मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर संत थे रिकार्डो भोला परमारिबो नॉर्थ ओस के फिलगेंस विंद परमारिबो साउथ वेस्ट के उर्मिला राम लगन सिंह यह अंदर फोर्सेटर स्टाथरात के और अंदर फंक्शनारसन। तो प्रेसिडेंट ने पहले नाम बोर्ड के पर्दा जो था उसको हटाया जिस पे लिखा है कि स्टार्ट ब्लॉकन फॉर द एडफोरिंग फन बाउ एंड स्टे द बाउकिन द प्रोजेक्टन रनफेयर करना शुरू किए हैं स्टार्स रात के खबाओ के। यह खबाओ के मरम्मत किया गया था साल 2007 में। वही दिनों से वहाँ पे कुछ नहीं किया गया, आस्ते आस्ते पुराना होते गया और टूटने लगा था। सुरनाम सरखेरे के स्टार्ट सैन बाउकुंद प्रोजेक्टन मेम्बरे बुको का सैन्य में द फैंसी के मिनिस्टर कृष्णा मथुरा मंगलवार दिसंबर के 14 तारीख को वो 172 मिलीटेरन के होखर रंग में बफादर किया है। मिनिस्टर ने बोले कि रंग के साथ ही साथ उनका पैसा भी फरोख हुआ है जो पैसा इसी महीना में मिल जाएगा। इन टोटल सैनर 172 सूरीनाम से मिलिटेरन बफॉर्दर्ड इन द नास्त होखर रंग। यूस्टिसी एंड पुलिसी के मिनिस्टर कैनेट अमोक्सी द कमिशन फॉर लेनिंग इंस्टॉलेयर किया है। ये वेर ग्रुप के काम होगा जहलियन के प्रोफेशनल बखलाइडिंग देने के लिए और ना जोरख देने के लिए। ये वेरोख्रुप के फोर्स इतर है डॉक्टर आंदस जॉर्जीन अर्तोन द पार्टी फॉर रेक्ट एंड ऑन्ट्विकलिंग PRO आज पेर्स बरिख में बताया कि फीस प्रेसिडेंट रूनी ब्रुंसवेक कयन दफा मिस द्राख किया है, फिर एक जर्नलिस्ट को मिस हैंडल करवाया है तो उनको तो सरकार में से निकल जाना चाहिएगा। अगर वो ना निकलना चाहता है तो सरकार को चाहिएगा उनको धक्के मार करके निकालने के लिए।
डिस्ट्रिक्ट वानिका के रास्ता ओफर ब्रुख वह के एक घर में आग लगा था। मकान और मकान में जितना इन बुदल से पूरा जल गया है। बाहर एक ऑटो एक बिश पार्केर किया हुआ था तो लहाकार आग में ये झोंसा गया है। घर के रहने वाला चार जन दाखलोस हो गए हैं। जब आगे लगा तो ये लोग घर पर मौजूद नहीं थे, मकान फरसेकर नहीं किए हैं। डिस्ट्रिक्ट निकेरी के पुराना यानी आउट डिस्ट्रिक्ट कमिसारस भारत शंकर कल्हिया संझा को अचानक देहांत हो गया है। पिछले महीना में वो 60 बरस के हो गया है। उनका परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत की जाती है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। इटालिया में कोरोना मात्रे खलन इन दैटक अनिवार्य तलक होगा कि जिन लोगों बिहान दोंदरदाख दिसंबर के 16 तारीख से इटालिया में दाखिल होंगे सबको नेगेटिव कोरोना टेस्ट दिखाना पड़ेगा, चाहे सबको सब वैक्सीन मिल चुका हो। और भी जिन लोग ने नहीं दिखा पाएंगे तो उनको 5 क्वारंटाइन में गुजारना पड़ेगा, उसका पूरा खर्चा उनको खुद ही भरना चाहिएगा। न्यूयॉर्क एन होंद सेशन स्वीकृत यार 174 बरस से है। अब ये पहली बार है कि न्यूयॉर्क में एक औरत कमिसारस बनने वाली है, कामा कीचत सेवल। ये औरत न्यूयॉर्क में द्रीतार 23 बरस से सिपाही के काम करती है। इस दिनों में वो रिसर्चर के होस्ट है। ये औरत के बनोमिंग के कैंडिडेट पेश किया है न्यूयॉर्क के एक नया बुर्गमेस्टर जो आने वाला महीना में शुरू करने वाला है। कातार ने अब्दुल्ला इबाइस कयन बार फरियाद किया है कि अरबैस मिक्रांतन जो कातार में स्पोर्ट फेल्डन रास्ता वगैरह बना रहे हैं ओलंपिक स्पेलन के खातिर, ये सब के साथ बहुत बुरी तरह से सलूक किया जाता है, यानी मजदूरी करवाते हैं गुलामी के तरह। अब्दुल्ला खुद ही एक पुराना कम करता है तो साल 2019 में कतार के सिपाही उनको गिरफ्तार करके कैद में कर रखा है। अब उनका मुकदमा होकर बुरूप में पेश किया गया तो जज उनको 3 बरस के जेल की सजा सुना करके और जेल में बंद कर रखा है। ये मुकदमा में RTL के कॉरेस्पोंडेंट ओलाफ कुंस मौजूद था और उनके साथ वुमन राइट वॉच भी कह रहा है कि ये अब्दुल्ला के साथ अन्याय हुआ है। टेलीविजन से अंदर ZDF के रिपोर्टाज पे खबर किए हैं कि डॉयसलैंड में कमोबेश 103 जना के कहना है कि स्टाट के कोरोना बलेट ठीक नहीं है। तो यही लोगों ने डेल स्टाट फॉन सैक्सन के प्रमेय क्रेशनर और एकाद पॉलिटिसी के धमकी दिए हैं कि घर में से घसीट करके बाहर निकालेंगे और फसरी पे चढ़ा देंगे। तो सिपाही अब सबके घरों में तलाशी ले रहा है। हांगकांग के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग लगा था। समान लोगों ने डाक पर तो चढ़ गए थे हेलो फ्लेनर्स के इंतजार में। 13 जना को अस्पताल में ले गए हैं, 1200 जना को इवैक्यूएट किए हैं। यह खबाओ के एक हिस्सा में रेनोफेयर की जाती है तो सोच रहे हैं कि उसी जगह पर से आग लगना शुरू हुआ है। अब नई दलान के खबरें सुनिए। अल-खमेन दखब्लात में खबर है कि OMT फोर्सेटर याफान दिसल ट्वीट कामर को बताया है कि कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के तो AstraZeneca वैक्सीन इलाज नहीं करता है और भी ओमिक्रॉन पेशेंटन को सेस होंद जना को रोजाना अस्पताल में दाखिल करने के लिए जगह हो चुका है। इंटेंसिव केयर में होना को रोजाना दाखिल कर सकेंगे।
इन्फॉर्मेटर रेमकस रखेर अकोट के एन फसलाक में बोले कि बहुत दिन लग गया है कैबिनेट तैयार होने के लिए। जनता के अंदर अब तकलीफ होने लगा था। चारों पार्टियां अब अपना अपना मिनिस्टर्स को बैठाने को कोशिश करेंगे। जिन लोग के सौंपा जाएगा वो उन्हें क्रीमात स्टिक्सटॉफ और अंडरवेस के खातिर काम करने के लिए सोशल ह्यूर वोनिंग पे वोनिंग कॉरपोरेशन को फॉर ह्यूर दर्स हैफिंग अब भरने के लिए जरूरी नहीं होगा। उसके बदले में बताल बार ह्यूर वोनिंग बनाएंगे या रेनोफेयर करेंगे जहां स्टार्टर्स मैन समेत मिडिल इनकोमा सीनियरन रह सकेंगे। हर बरस 100,000 मकान बनाने को इरादा है। स्टूडियार 2023-2024 के स्टूडेंटों को बासस बर्स फिर से मिलना शुरू होगा जो देना बंद कर दिए थे। इसके लिए 1 मिलियन यूरो के इंतजाम किए हैं। मिनिमम लोन थोड़ा थोड़ा हिसाब से 0.5% से बढ़ा दिया जाएगा। सालस्तान दखन के परप्लेख करेंगे अपने आप को फर्सेकर करने के लिए वो भी अरबेज ओंखस के तहत के खातिर फे फे दे से दे आ दे ससन सस्तख और द क्रिस्टन यूनी विक्रिमात रेखलन 10 बरस के खातिर फैफन देर तक 35 मिलियन यूरो के इंतजाम किए हैं। कहते हैं कि साल 2050 में क्लीमात नॉर्मल हो जाना चाहिएगा। केंद्र ऑफ फंग के कोस्टन में से 5% फरखूदिंग दिया जाएगा और 3.7 मिलियन यूरो डिफेंसी को दिया जाएगा मटेरियल के अंडरहोल्ड करने के खातिर। 1.5 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडरहोल्ड के खातिर है और स्टिक्सटॉफ के प्रॉब्लम जो है 5 मिलियन के इंतजाम किए हैं। 2030 में रेकनिंग रैडन भी शुरू करेंगे ऑटो वेख पे। प्यारे सुनने वालों बिहान जब दोंदर दाख है तब मुझे तो खेखी दे के पास जाना है बूस्टर प्रिक लेने के खातिर, तो मैं देश विदेश की खबरें नहीं पढ़ सकूंगा। अब Audio Jungle.